बीचों बीच देर रात को आग की घटना घटी है। पहले कूड़े के ढेर में आग लगी और फिर साथ लगते गौ सदन तक जा पहुंची, जिससे गौ सदन को काफी नुकसान हुआ है। इस घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने अग्निशमन केंद्र बिलासपुर के कर्मचारियों को दी गई। विभाग की टीम मौके पर पहुंची और टीम ने आग पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया। अभी भी आग पर नियंत्रण पाने के लिए अग्निशमन विभाग की टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। गाड़ी में जी तो रात को कम से कम कोई 12:05 पे मतलब हमारे को कॉल आई फायर स्टेशन पे कि सब्जी मंडी के पास जो है वहाँ पर गौ सदन के पास भयंकर आग लगी हुई है और आग के कारणों को कोई पता नहीं चल रहा है और वो यहाँ पर बहुत पब्लिक इकट्ठी हुई थी। जिस टाइम हमारा फर्स्ट टर्न आउट रात को आया तो 12:15 के करीब तो पहली गाड़ी आई, फिर पहली गाड़ी पानी फेंकने के बाद जब पानी आग कंट्रोल नहीं हुई तो उसके बाद सेकंड टर्न आउट आया। सेकंड टर्न आउट के बाद मेरा तीसरा टर्न आउट आया हमारे फायर स्टेशन से और उसमें तीसरी गाड़ी लेकर मैं खुद यहाँ पर पहुँचा तो मौके पर देखा तो आग का जो है बहुत विराट रूप आग ने ले लिया था और जिसको बुझाने में पूरी फायर ब्रिगेड की जो हमारी टीमें थी तीन तीन टीमें रात को यहाँ पर आई और सुबह के 4-5 तक काम करते रहे और एक टर्न आउट यहाँ पर ही रहा गाड़ी का। ये जो सामने गाड़ी खड़ी है 1664, इस गाड़ी को यहीं स्पॉट पे ये बिल्कुल नहीं हिली पूरी रात भर और सुबह भी नेक्स्ट डे जो आज हमारा यहाँ टर्न आउट आया है और अभी तक हम यहाँ पर लगे हुए हैं और आग के कारणों को कोई पता चला कि किस कारण लगी है और बहुत सारी जो है यहाँ पर आग लगी हुई है। फायर स्टेशन से पता चलेगा, अभी उन्होंने आकलन किया, हमारे जो फायर ऑफिसर है वो इसके बारे में बताएंगे आपको।